गुड मॉर्निंग, आज हम अपनी छत पर हैं। यो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं पेड़ पौधों के साथ। अच्छा भाई साहब, बारिश हो रही है दबा के। पीछे एक चीज देखो, देखो हरियाली, खेत देखो कैसे लहरा रहे हैं हमारे। पापा ने पता नहीं कौन कौन सी बरादरी के वो लगा रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। मोर पंख लग रहा है ना। हाँ, देखो बेहतरीन लग रहा है भाई। सब देखो यार, वाओ अमेजिंग। ये पता नहीं कौन सा, इसके पत्ते देखो कैसे ऐसे पड़े हुए ना, जैसे प्रेस नहीं करी हुई इनपे। एक और दिखाती हूँ, लुक जावरी। ये जावरी है गेंदे के फूल। गेंदे के फूल जावरी, जावरी पापा बताया। अच्छा लेकिन अच्छे लग रहे हैं। खाओ पकाओ खाओ, लकड़ी बैठने का भी होना चाहिए। वो भरा पड़ा हमारे। अच्छा केले भी खा लो, सेहत बना लो। की भरा पड़ा, डंड मारो। की भरा पड़ा ईंधन ये लकड़ी वकड़ी वो तो सील रही है सारे। वास्ता बेहतरीन लग रहा है ना, ये ऐसा लगता है जैसे वो हो टच में ना हो। बट ये इमली का पेड़ है, उससे भी लंबा हो गया है। कोई बात नहीं, कंधे से ऊपर चला जाए। बेटे की लंबाई जब बाप के कंधे से ऊपर चली जाए तो समझ जाओ तो बड़ा हो गया। जिम्मेदारी आ जाती। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही होता है। तुम्हारी जैकेट चुभ क्यों रही है? मुझे जैकेट चुभ क्यों रही है? मैंने पहन रखी है। लो मेरी जैकेट पहन के घूम रहे हैं। तब मानो जब इसे तुम फाड़ दो बना बना के एक्सरसाइज कर कर। तुमने फाड़ दी और क्या, दूसरी सिलवाई है तुमने। मैं तो पहन पहन के फाड़ दूंगी। अरमूद का पेड़ देखो, अरमूद का पेड़, ये रहा अरमूद। अरमूद पकड़ना दोस्त। सबसे पता अच्छा क्या लगता है मुझे, क्या इसमें क्या अच्छा लगता है? पानी भरा देखो, अरमूद का पेड़ देखो पानी भरा, भर के ना वो मिल रही है। एकदम बारिश हो रही है दबा के। देखो मौसम भी ना अभी भी शीत ऋतु आ गई। ओ भाई साहब गिलहरी देखो कितने स्क्वायर। वेयर आर यू, राजा कितने गई? अरे वेट अ मिनट। ओ भाई कितने गई? ये रही स्क्वायर ऐसे बोलती हैं। आ जाओ पकड़ना गिलहरी। स्क्वायर एक और चीज बताती हूं, इसके ब्रश बनते थे पहले, स्क्वायर लेयर वो बताऊं, उखाड़ के बैन हो गए वो। अच्छा ये हाँ, बहुत टाइम पहले मैंने भी यूज करे वो ब्रश, पर फिर वो बैन हो गए। अच्छी बात है। अरे वो कहती मैं, वो कौन सा पेड़ होता है जिसमें दूध निकलता है? दूध निकलता है हाँ, एक पत्ता तोड़ो उसमें दूध सा निकलता है। याद नहीं आ रहा दिया वो, मेरे को डर सा लंबी लगता लंबी सी। हाँ दूध सा निकलता है वो, है ना? आंखड़े का पता नहीं कौन सा होता है, आंखड़े का दूध बोलते हैं ना, आंख में गिर जाए तो। हाँ भाई थोड़ा अंधे हो जाते हैं, रिस्की होता है कि ऐसे हाथ। पापा ने हटा दे, देखो एलोवेरा का जहर हो पड़े हैं हमारे, क्योंकि बच्चे बच्चे भी हैं, बच्चे हाथ में लग जाए। ये एलोवेरा अगर ये दुकानों पे बिक रहे होते पौधे कितना मजा। वैसे आ जाओ आपको बेहतरीन पीस दिखाता हूँ। देखिए वैसे पत्ते देखिए इसके कितने, किस तरीके के पत्ते हैं। ऐसे पत्ते मिलते नहीं है, इंडिया में ही मिलते हैं पत्ते। अच्छा और ये देखिए आप जो देख रहे हो, हमने ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट कराया है वाला पेड़। अच्छा। तो बेहतरीन मिलेगा नहीं, पूरी मार्केट में आपको यही मिलेगा सेल्समैन। और ये देखिए मैं आपको अपना गोडाउन दिखा देता हूँ। वाली दिखाइए, ये देखिए हमारा एलोवेरा जो है, एलोवेरा ये ऐसा एलोवेरा है जिसमें कि जेल की जो थिकनेस है ना वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है ना? ठीक, ट्रांसपेरेंसी है जेल की थिकनेस, मतलब बगैर लोग कुछ भी नहीं। ये देखो उधर इस पर देखो कौन कौन सी बिरादरी के वो रह रहे हैं। इंसेंस वो भाई सब डर सा लग रहा है। नहीं मक्खियाँ हैं कुछ भी, कैटरपिलर पैदा होता है इस पर, कैरा तो। देखो ये खा रखा है ना कैटरपिलर ने, एक बार मैंने आपको दिखाया भी था, लोग चेक कर लेना। ये देखो ये रहे पत्ते कहाँ है, ये खा रखे ना वो चले गए वो बारिश की वजह से, वो तितली बन जाते हैं ना, बटरफ्लाई। बेहतरीन लोग हैं यहाँ पे, कुर्सी लगा लो बस। जैसे बच्चों की फोटो नहीं खींचते थे पेड़ पौधों के पास बैठ के? पहले तो ऐसा लग रहा है जंगल जा रहा हूँ, डब्बा और दे दो मुझे। जंगल में जाते थे पहले डब्बा ले लिया खाद देने, गए हो कभी? नहीं यार डर लगता सांप वांप ना उठ जाए। अब हमने सांप
घुस गया डर लगता है मैं गया नहीं हूँ मैं तो भैया गाँव वाँव में वहाँ जब तक तो बन गए थे टॉयलेट वॉयलेट पर जाते हैं वो खेतों में अब सोचो तुम्हारे उसमें जो भी गांव है वहाँ एक ही है और बहुत सारे लोग हैं तब तो तुम्हें मजबूरी में जाना पड़ेगा ना वो मजबूरी वाला फील मैंने किया है तुम गए हो लेकिन बस मजबूरी में पैदा हो गए थे नहीं ऐसा नहीं है अरे ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा देखा है पूरा टिपिकल गाँव देखा गेरा फूल सदाबहार इसके पत्ते बताते हैं जिसको शुगर हो रखा हो ना पकड़ना एक बार तो गाइस इसके पत्ते जो है ना सदाबहार के पत्ते ऐसा बताते हैं जिसको शुगर हो रखा हो तो इसको खा लो इसके पत्ते अच्छा। बहुत कड़वे होते हैं है? पता नहीं ऐसे मैंने सुना है और मैंने देखा भी है बहुत से लोग सदाबहार के पत्ते खाते हुए जिनको डायबिटीज होती है ना बहुत से लोग पत्ते खा लेते हैं बहुत कड़वे होते हैं इसके मैंने भी खा के देखा था भाई रोज खाया कभी रोज क्या एक बार ही नहीं खाया जा रहा तो रोज कहाँ से खाऊं नहीं मतलब गुलाब की पत्ती रोज 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 अच्छा रोज 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 नहीं बोल रही मैं रोज बोल रही हूँ रोज की पत्तियाँ खाई है मैंने गुलूकंद क्या होता है वही तो होता है गुलूकंद ये अंगूर की बेल है हमारी बेहतरीन वाली लेकिन अभी ना वो हो रही है अंगूर की नहीं है कोई भी है लेकिन जो भी है कुछ वो हो रही है थोड़ी किस चीज की थोड़े पत्ते खराब से हो रहे हैं पान के हमारे पान खाओ पान ये पान नहीं है कुछ भी बोल पान है मैं नहीं मानती पान के तो मैंने देखे हैं ना कत्ता चूना लगा के खिला दूंगा तुम्हें देख रखे गुलकंद भरूंगा ऐसा भर लाओ जी फायर पान दो लौंग लगाऊंगा उस पर आग लगाऊंगा बुप और कुछ है कोई दूसरी बेले गिलोय है गिलोय अरे हाँ सॉरी भूल गया मैं गिलोय की बेले अच्छा गिलोय की बेल बहुत बेस्ट रहती है भाई साहब अगर फीवर हो रहा हो आपको तो इसकी जो है स्टिक तोड़ लो उसको भिगो लो उबाल लो पता नहीं उबालते हैं भिगो देते तो उस पानी का उपयोग बहुत बुरा लगता है पीने में नहायत ही बकवास लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है तो गाइस जरा कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है हमारा ये ऊपर का बागीचा खिल जाते हैं पेड़ हाँ ये पापा की सारी मेहनत है हमारे फादर हार्ड वर्क जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर और ये सब दिखाओ देखो मैंने उस दिन भी दिखाया था आपको ये रहा अनार पीछे दिख रहा होगा वो रहा दिख गया तो ये सब और वो तो स्पेस की दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसमें इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते अगर ये ही आप ज़मीन में धरती के अंदर लगाओ ना ये दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा ये अब क्या करें भैया छत है उस हिसाब से इन फ्यूचर में कभी लेंगे तो एक पापा को दे देंगे 500 गज के बनाओ जी जगह हाँ देखो काई वाई भी जम गई यहाँ पर ना और ये देखो बिल्ली ने जी खराब हो जाएगा जी खराब हो जाएगा व्यूअर्स का मैं क्या दिखा दिया सुबह सुबह मेरा ही खराब हो जाएगा बिल्ली ने वो कर रखा अपने खेत बिल्ली के खेत हैं चलो मिलते हैं फिर ओके ब्रेक के बाद ओ भैये गाइस अब धूप आ गई और अपन जा रहे हैं नीचे ठीक है ये देखो नदी नाले पार करते हुए नीचे जाना पड़ रहा मेरे को हेलो भैया चलो मिलता है नीचे सही पकड़े हैं इसको पकड़िए इसको सही पकड़ी है टप्पू का पापा सही पकड़ा है टप्पू के पापा अरे वो नहीं आता था तारक मेहता का चश्मा अरे सुनते हो तो गाइस अभी हम आ गए ऊपर से तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी सफाई वफाई कर ली जाए जैसे कि आप देख रहे हैं मैं झाड़ू लेके बैठी हूँ पहले थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ झाड़ू पोछा दोनों ही करना है उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्योंकि फिर तो सीधे हमारा जैसे कि हमें पता है कि आप लोगों को टास्क डायरी हम लोग अपनी रखते हैं काम वाम भी करना है उसके बाद तो चलो मैं मिलते हैं फिर झाड़ू वाड़ू कर लूँ